रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी विंटेज T9 के ऊपर, तो क्योंकि मेरे तब सेकंड कैमरा अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से ज़रा ध्यान से मैं नहीं दिखा सकूँ, और कमेंट्स भी कुछ आए हुए हैं कि भाई जैसे भी कमेंट्स जाके देख लेता यार वीडियो पे, तो इसलिए दोबारा मैं इस वीडियो को अब अच्छी लाइटनिंग, बेहतर लाइटनिंग और ज़रा स्टूडियो सेटअप भी मैंने चेंज, ये बैकग्राउंड ज़रा मेरा उस साइड पर आ रहा है, ज़रा इसको सेटअप करूँगा मैं, इसको उठा के इस साइड लाना है मैंने, ओवरऑल लाइटनिंग थोड़ी चेंज की है, बाकी सब चीज़ें कुछ चेंज की हैं, तो सब चीज़ें चेंज करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब दोबारा इसको एक नए अंदाज में बनाया जाए और डीपली जितनी चीज़ें सब दोबारा बताई जाएं। तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है विंटेज T9, पिछली वीडियो में मैं अपना बता चुका हूँ कि दराज से मैंने ऑर्डर किया था, लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो में दोबारा मैं लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो में भी सब कुछ मैंने बताया हुआ था। तो दराज के पैकिंग में आई थी तो विंटेज T9, ठीक है, ट्रिमर फॉर प्रोफेशनल, तो बैक पे एंड फ्रंट पे दोनों पे सेम ही यहाँ पर लिखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, जीरो डिस्टेंस ऑयल हेयर डिज़ाइन, मेटल एल्युमिनियम वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय द वे पढ़ता कोई भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक टैग लगाया गया था इनकी तरफ से, इस्तेमाल से पहले 6 घंटे चार्ज करें। ओवरऑल यहाँ पे जो इसके अंदर पड़ा है वो यूज़र मैनुअल, उस पर 2 घंटे लिखा है, बट यहाँ पे इन्होंने 6 घंटे का लगाया, तो मेरे ख्याल से 6 घंटे इसको चार्ज आप इजीली कर सकते हो, बाय द वे 3 घंटे भी करो तो इनफ है यार। तो हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें अपना प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और हमारी जो कंघी है वो इसमें फंसी हुई है, तो ये हमारी कंघी रही और इसकी हालत बड़ी पतली हो गई है। तो ये हमारी डेटा केबल है, बाय द वे जो डेटा केबल हमारे यहाँ पे आ रही है छोटी सी, इसको यूज़ कोई नहीं करता, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल में जो आपको डेटा केबल जो मिल रही होती है उसी से आप इसको चार्ज करते हो, अपने चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, नो इशू कि आप इसी डेटा केबल को यूज़ करें, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी कम है, इतनी जैसे इसकी लेंथ है तो मेरे ख्याल से अडाप्टर पे आप लगाते भी हैं तो ज़रा कम पड़ती है, इसकी चार्जर आप यूज़ कर सकें। उसके अलावा हमें यहाँ पर हमारा यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना तो यार मैटर नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कैसे चलती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें यहाँ पर 4 कंघियाँ यहाँ पे हमें दी जाती हैं, डिफरेंट 1.5 mm की पहली कंघी, सेकंड 2 mm की, उसके बाद थर्ड 3 mm की, एंड फोर चौथी जो है 4 mm की है। तो बाय द वे मशीन हमारा जो हमारी विंटेज T9 है, ये हमें यहाँ पे गिवन दी जाती है, और इससे बाल वगैरह मैं अपने काटता रहूँ, उसके बाद इसको मैंने ज़रा कम ही साफ किया था, इसलिए थोड़े बाल वगैरह इस पर दिख रहे हैं, चलेगा यार। तो ये हमारी कंघी है जो कि काफ़ी आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं, अगर आप दूसरा मतलब कि ज़रा बाल जो आपके इससे बड़ा रखना चाहते हैं, स्पेशली दाढ़ी के छोटे बालों के लिए, मेरे तो खैर मैं 20 नंबर भी लगाता हूँ, वो भी कम मुझे लगती है, 20 से ऊपर कोई हो तो अब वो लेने की ट्राई करूँ। अब इसकी लाइनिंग के लिए सबको पता है भाई, ये जो मशीन है लाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है, सही है, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गई, बेसिकली मैं ख़ुद भी यही मशीन अपनी लाइनिंग के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ, बहुत हद तक आपके जो बाल हैं ये आपके काट देता है, लेकिन यार आपकी जो दाढ़ी है ना, जब आप स्पेशली गर्दन से बाल काटते हैं लेवल करने के लिए, आपको चूंटियाँ मारता है यार, सीरियस बता रहा हूँ, चूंटियाँ सी लगाता है, और कभी कभी जब नहीं आप लेंगे तो तब तो आपकी स्किन थोड़ी ज़ख्मी कर देगा, तो इसकी ऑयल वगैरह आप थोड़ा कीजिएगा, चार्ज वगैरह कीजिएगा, तो उसके बाद हल्का हल्का ठीक हो जाएगा ये। अब ज़रा बात मैं करता हूँ क्या ये ओरिजिनल है, तो भाई ये ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी एंगल से ओरिजिनल नहीं है, सही है। इस विंटेज T9 में बहुत सारी क्वालिटीज़ आ रही हैं, अब ये कितनी क्वालिटी है, कितने नंबर की क्वालिटी है यार, आई डोंट नो, क्योंकि यार अगर आप विंटेज T9 इस तरह की मशीन लेने जाते हैं मार्केट में या फिर ऑनलाइन, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लाइनिंग मशीन मिलती हैं और डिफरेंट प्राइस रेट में मिलती हैं, सही है। एग्जैक्ट अमाउंट जो मुझे जितने की पड़ी वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर कि कितने की पड़ी है, बाय द वे मुझे सस्ती पड़ी थी, अंडर थाउजेंड की पड़ी थी मुझे, एग्जैक्ट अमाउंट मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ये कि आपने ध्यान से देख कर लेना होगा कि भाई
कोई लोग टिकटॉक, इंस्टा या फेसबुक पे सकी बहुत से एड्स चल रहे होते हैं इस मशीन के, तो आप जाने ना जाने में वहाँ से सेल तो कर लेते हैं, परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ आपकी पहुँचती है तो सेम वही चीज़ पहुँचती है जो यहाँ पर मेरे पास पड़ी है, लेकिन आप पैसे उसके डबल दे चुके होते हैं। तो यार पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बहुत सी कॉपीज चलती हैं, मतलब चलते ही कॉपी है, ओरिजिनल जो होगी आपको 3000 प्लस की ये चीज़ मिलेगी, जो 3000 प्लस की है उसका भी 100% कन्फर्म नहीं है कि यार वो ओरिजिनल है भी है या नहीं। मतलब हमारे इस टाइप के हालात पहुंच चुके हैं कि अब ओरिजिनल चीज़ भी हमें शक में डाल देती है कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं। तो क्योंकि यार कॉपीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है और कॉपीज़ मार्केट में इतनी ज़्यादा हैं कि ओरिजिनल को कोई पूछता नहीं है। क्योंकि अगर एक और चीज़ इस मशीन की आपको बता दूं कि आप वीडियोज़ में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ट्रिमर जिस तरह का है, जो लाइनिंग वाला ट्रिमर है, वो जैसे आप इसको ऑन करते हैं और मशीन को ऐसे लगाते हैं तो बिल्कुल क्लियरली बाल आप काट देता है, तो ये वाली जो मशीन है बिल्कुल क्लियरली नहीं काटेगी, सही है, क्योंकि ये कॉपी है, बिल्कुल क्लियरली ओरिजिनल वाली काटती होगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में अभी तक ओरिजिनल देखी तो है नहीं। ओरिजिनल के प्राइस टैग में ये लोग पता नहीं है हमारे साथ मजाक करते हैं यार, सीधी सी बात है भरोसा नहीं है किसी पे। पाकिस्तान मार्केट इतनी एक घटिया मार्केट है, इतनी घटिया मार्केट है कि यार आपको हर दूसरा बंदा जो है वो बेचने की चीज़, जो चीज़ आपको बेचेगा उसमें इतनी क्वालिटी आपको बताएगा नहीं, ओरिजिनल दे के आपको बेचेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा यार, इतने स्कैम है पाकिस्तान में यार, खुदा का वास्ता है यार, पाकिस्तान में आप लोग मार्केट आप लोगों ने इतनी गंदी कर दी है कि दराज का रिसेंटली बयान आया था, दराज के सीईओ का बयान आया था कि यार हम लोग इतना ज़्यादा डॉलर इन्वेस्ट करके भी दराज पे ये कि लॉस खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के सेलर कमिटेड नहीं है, कुछ चीज़ होगी और तो भेजेंगे और, यार सही बोल रहे हैं। अब अमेज़ॉन का देखिए कितने हज़ार अकाउंट बैन हो चुके हैं पाकिस्तान में, क्यों हुए? क्योंकि फ्रॉड की वजह से हुए, और हम लोग ये फ्रॉड समझ नहीं रहे हैं कि यार हम लोग कहाँ से प्रोडक्ट दे रहे हैं, कस्टमर ख़राब कर रहे हैं। अलग ही दुनिया पाकिस्तान भाई, और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं अब तो खैर किसी पे गिला बनता ही नहीं है, तो बस दुआ ही कीजिए कि पाकिस्तान के कुछ हालात ठीक हो। ओवरऑल यार ये हमारी प्रोडक्ट थी, तो होप सो कुछ चीज़ें रह ना गई हों, कैमरा मैंने साइड पर लगाया हुआ है तो कुछ रह गई हैं, तो यार माजरत हुआ हूँ, दोबारा से वीडियो बनाई है मैंने। ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी बता दूँ यार, टाइमिंग कितनी है, मैं इसको चार्ज करता हूँ हफ्ते में एक या दो बार, मैक्सिमम एक बार यार करता हूँ, ठीक है, हफ्ते में एक बार चार्ज करता हूँ और महीना ऐसे निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज होती नहीं है, हफ्ते में एक बार यूज़ करता हूँ और चार्ज भी हफ्ते में एक बार करता हूँ, यूज़ जो है हफ्ते में एक बार करता हूँ लेकिन महीना मेरा निकाल जाती है, सही है, तो ये कि एक महीना मेरी ये चार्जिंग आराम से निकाल, मिनिमम जो है दो हफ्ते जो है इजीली निकाल जाकर, अगर ज़्यादा यूज़ हो जाए तो, मेरा भाई है छोटा वो भी कभी कभी यूज़ कर लेता है, तो जब ज़्यादा यूज़ हो जाए तो दो हफ्ते में एक बार चार्ज कर लेता हूँ, अगर मैं अकेला ही यूज़ करूँ तो एक महीने में एक बार चार्ज करता हूँ, सही है, तो चल जाती है पूरा महीना इजीली। तो यार ये कुछ चीज़ें थी, होप सो कि सब चीज़ें क्लियर मैं बता चुका हूँ, कुछ रहता नहीं है, तो होप सो कुछ भी नहीं रहता। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, होप सो के मेन पॉइंट पे मैंने बात की है, अगर नहीं की तो यार कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगा, और ऐसा ऐसा क्योंकि इस चीज़ को इम्प्रूव करना ही है, तो यार नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें यार, बस समझाना ही है, बताना ही है कुछ, तो यार प्यार से बताओ यार, मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ यार, आप जब प्यार से बताओगे ना यार ये चीज़ ऐसे कर लो यार, मुझे अच्छा लगेगा और मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा नेक्स्ट टाइम, सही है, तो ये कि ज़रा अदब से प्यार से, सही है, तो होप सो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, बड़े भूल चुका हूँ यार आज।